सुनील 11 से लेकर 12 के बीच तक घर पर रहा, देखा सब लोगों ने। उसके बाद सब लोग अब सो गए, पता नहीं किस समय मतलब फ़ोन पे बुलाया उसे या फिर उठा के ले गए, ये भी नहीं कह सकते। इस बीच अब हम लोग तो सो गए, सुबह पता लगा कि उनका मर्डर हो गया। इससे पहले कहीं लड़की का मामला चल रहा था। कौन लड़की थी, किस समाज? मुस्लिम समाज की लड़की थी, गाँव के पड़ोस का ही मामला था। वो पहले ही 4 महीना पहले वो प्रधान और गाँव के सभी लोगों ने समझा के वो फाइनल कर लिया था। अब कल का क्या है क्या नहीं है, लगभग यही है कि उन्हीं लोगों ने करा है। इनकी कहाँ मिले, इनकी कैसे? इनके कोतकपुर गांव है, वहाँ बाग में बॉडी पाई गई। तो इनका क्या किसी दूसरे समय लड़के से अफेयर वाली बात? ना और किसी का कोई ऐसा नहीं था। इससे पहले भी कोई इसका विवाद हुआ था लड़की को? इसी लड़की के उससे हुआ था पहले 4 महीने। अब कोई क्या, मतलब क्या विवाद हुआ था? इसी लड़की को लेकर कि मतलब ये हमारे घर की तरफ आता है, ये माँ बाप ने दोष लगाया था इससे, बस ये था। तो क्या लग रहा है आपके लिए, किसने हत्या की है? मेरे अंदाज में तो उन्होंने की होगी, और बाकी तो गांव का कोई आदमी ऐसा है नहीं नज़र में जिसके ऊपर कोई बात करी है या उछाली जाए। जैसे आपने बताया कि क्या समझौता क्या हुआ इन दोनों लोगों के? यही हुआ था कि अब ना ही लड़का जाएगा ना लड़की इधर को, कोई इस दूसरे घर की तरफ नहीं जाएंगे। प्रधान के बैठा के सारे काम हो गए, उसके माँ बाप को भी बैठा गया, लड़के के भी माँ बाप को बैठा गया, दोनों पक्ष बैठ के समझौता कर लिया। तो ये करते क्या हैं इनकी हत्या? कुछ नहीं, खेती किसानी करते हैं अपना, और क्या। कितनी उम्र है इनकी? वो ये 22-21 साल। थाना क्षेत्र सीसगढ़ के कुतुबपुर के जंगल में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ प्राप्त हुआ था, जिनकी पहचान सुनील कुमार ग्राम जिया नगला के रूप में हुई है। इस संदर्भ में उनके घर वालों का कहना है कि उनके शव उनको मारकर जो है उनका शव पेड़ से लटका दिया गया है, तथा इस संदर्भ में उनके पिता की ओर से धारा 302 का मुकदमा अपने गांव के ही कुछ लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, तथा पंचायतनामा के उपरांत उनके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पूरी छानबीन के अनुसार, जिसमें सत्यता के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है।